नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भारत में अब 3,15,000 से भी ज़्यादा के नए केस आने लग गए हैं। यह संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। इसी मामले को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं। कई जगह पर नई नई गाइडेंस चालू हो रही है तो कई जगह पर लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन 1 मई तक रहेगा। इसमें कुछ गाइडलाइंस भी चालू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक दी चैन करके नाम की एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें कुछ जरूरी सेवाओं पर भी उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी शादी समारोह अगर करना चाहता है उसे केवल 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा। 2 घंटे में उन्हें केवल 25 लोगों की ही परमिशन होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी इस गाइडलाइंस को नहीं मानता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई यात्री बस से यात्रा कर रहा है, अगर एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है, तो भी उसे वहाँ पर अपनी कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। 14 दिन का जो टीका होता है उसे वहाँ पर वो लगाना होगा। जो बस सर्विस होती है उसे वहाँ के जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए। वहीं पर कई जगह पर और भी पाबंदी लगाई गई है। सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, वहाँ पर केवल 15% ही लोग कार्य कर सकते हैं। पहले यह संख्या 50% थी, लेकिन अभी 15% कर दी गई है। जिस तरह से भारत में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, इस तरह से राज्य सरकार किसी न किसी तरीके से लोगों पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही है। इसमें नई नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है, जिसमें मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका नाम है ब्रेक दी चैन। अब देखते हैं कि मुंबई में जो कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोकथाम होती है या नहीं होती है। मुंबई में 8,000 से भी नए लोगों की मौत हो रही है, नए केस पाए जा रहे हैं, कई लोगों की मौत हो रही है। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा केस इसके निकल रहे हैं। 24 घंटे में 3,15,000 से भी ज़्यादा के केस निकल चुके हैं। महाराष्ट्र से हमें कल एक और खबर आई थी। कई जगह पर खबर सामने आ रही है कि कई जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो लीक हो जाते हैं। कई जगह पर होता है कि डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं। कई जगह पर ऐसा पाया जाता है कि जो कोरोना के पेशेंट हैं वही लापरवाही कर रहे हैं। इस तरह के अगर माहौल चलता रहा तो हो सकता है कि जो 3,15,000 के डेली के केस निकल रहे हैं, शायद हो सकता है वो 10,15,000 तक के केस निकले। इसमें हमको मानना ये जरूरी है कि हम सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें और ब्रेक द चैन का हम पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और कोरोना की जंग में हम सब मिलके डट के खड़े रहें। धन्यवाद।